खुद वीडियो में बोलते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। तो आज मैं देख रहा था शुक्ला जी 2.0 उनका वीडियो। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। मैं एक्चुअली यूट्यूब का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं बहुत यूट्यूब देखता हूँ और मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ मैं ब्लॉग चैनल खोला हूँ, आज 3 महीना हुआ है। तो मैं एक्चुअली बहुत सारे टेक क्रिएटर को फॉलो करता हूँ, उन लोग का वीडियो देखता रहता हूँ किस तरह से उन लोग वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं देख रहा था एक टेक चैनल शुक्ला जी 2.0 उनका वीडियो। तो वीडियो उन्होंने अच्छा ही बनाया है, बहुत अच्छे अच्छे बात भी बोला है और बहुत हंसी का बात भी बोला है। लेकिन उनका जो थंबनेल दिया है वीडियो में, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और वीडियो में जो उन्होंने कहा है 3 महीने में उन्होंने 10,000 सब्सक्राइबर बना लिया है, लेकिन उसी वीडियो में वो खुद बोल रहे हैं उनका जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था वो जनवरी 2023 को उनका फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है और अभी चल रहा है जुलाई का महीना। तो कितना महीना हो गया? खुद वीडियो में बोलते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। अगर जनवरी 2023 को वो फर्स्ट वीडियो अपलोड करता है तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है। अगर जून को भी उनका 10,000 सब्सक्राइबर हुआ होगा तो 6 महीना तो ऐसे ही लग गया। तो वो वीडियो में जो थंबनेल लगाया और वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं 5 ट्रिक लगाया और 10,000 सब्सक्राइबर बना लिए हैं 3 महीने में। तो 3 महीना कहाँ हुआ भाई, आपका तो 6 महीने ऐसे ही हो गया। लेकिन मैं जो आपका चैनल खोल के देखा तो उसमें दिखा रहा था 2022 के अक्टूबर को आपने चैनल खोला है। तो ठीक है, माना मैं आप वीडियो अपलोड किया जनवरी 2023 को, तो 3 महीना कैसे हुआ? तो 6 महीने लग गया 10,000 सब्सक्राइबर बनाते बनाते आपको। ठीक है, माना कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है, लेकिन झूठ भी ऐसा बोलिए ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं 3 महीना में 10,000 सब्सक्राइबर, और खुद ही बोल रहे हैं मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जनवरी 2023 को। तो फिर गुरुजी कैसे हुआ बताइए आप, 3 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर? मेरे जैसे बहुत लोग आपका वीडियो देख रहे होंगे और कमेंट भी अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे होंगे, और मैंने सोचा भाई एक वीडियो ही क्यों ना बना दूं आपने जो बताया इसके बारे में। तो गुरुजी आप लोग ब्लॉग भाइयों के लिए भी वीडियो बनाया करिए ताकि हम लोग को भी मालूम चले किस तरह से व्यूज़ बढ़ाना चाहिए। आप लोग तो हमारे लिए कुछ बनाते नहीं हैं, सब क्रिएटर लोग के लिए बनाते हैं, नए नए जो यूट्यूब में क्रिएटर लोग आते हैं। और कम से कम डेली तो 200-300 क्रिएटर लोग तो आते ही होंगे, सब न्यू कमर्स है, बिगिनर्स है। तो उन लोग को आप टारगेट लेते हैं, तो कभी हम लोग को भी टारगेट लीजिएगा, हम ब्लॉगर्स लोगों को। और हम लोग को भी बताइए किस तरह से व्यूज़ बढ़ाना है, किस तरह से करने से हमारा चैनल ग्रोथ होगा। और आप लोग तो सिर्फ क्रिएटर क्रिएटर के बारे में ही बताते हैं, अरे सब अगर क्रिएटर बन जाएगा तो ब्लॉगर्स कहाँ रहेंगे? और एक बात बताते हैं, आप लोग का वीडियो मैक्सिमम क्रिएटर लोग ही देखते हैं, जो जो नए नए क्रिएटर बनते हैं डेली वो सब क्रिएटर ही आप देखते हैं आप लोग का वीडियो। और उन लोग इसलिए देखते हैं, आप लोग पर विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से उन लोग को गाइड करेंगे, लेकिन आप लोग तो व्यूज़ बढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना कायदा है, बुरा मत मानिएगा आप, और बुरा मानने से भी कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आपने जो ये थंबनेल लगाया है ये हमको हज़म नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए ये जितने भी आपका चैनल देख रहे हैं सब आपको गुरुजी मान के ही देखते हैं। तो गुरुजी अगर ऐसे थंबनेल लगाएंगे तो शिष्य कहाँ जाएंगे बताइए? तो कृपया आप ऐसे थंबनेल मत लगाइए और इतना झूठ भी मत बोलिए। झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा झूठ बोलना चाहिए, अगर झूठ बोल के पकड़ा जाएंगे तो वो मतलब झूठा बोला जाएगा, अगर नहीं पकड़ा जाएंगे तो आपका बात सच मानकर आपको महागुरु माना जाएगा। तो उसी तरह से ख्याल रखिएगा और थंबनेल थोड़ा चेंज करिएगा, इस तरह का थंबनेल आप लगाइएगा मत, क्योंकि सब आपको गुरुजी बोलते हैं तो गुरु का सम्मान आप रखिएगा। और आपका वीडियो हम भी देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आज का वीडियो मेरे को अच्छा नहीं लगा, हज़म नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो शुक्ला जी, हो सके तो हम ब्लॉगर्स लोगों के लिए भी कुछ टिप्स दीजिएगा किस तरह से हम लोग अपना व्यूज़ बढ़ाए। तो
एक्चुअली क्या है, ब्लॉगर्स लोग कोई टिप्स लेते नहीं हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो किसी को फंसाते भी नहीं हैं, किसी का साथ झूठ भी नहीं बोलते हैं। जो दिल में आता है, जो दिखता है, वही बोलता है, क्योंकि वो YouTube का सबसे बड़ा फाइटर होता है। और वो जो वीडियो बनाता है ना, वो जेन्युइन होता है और दिल से बनाता है। तो फिर भी आपसे हम टिप्स मांग रहे हैं, आप अगर कुछ टिप्स दे सकें तो टिप्स दीजिएगा। आप लोग तो सिर्फ क्रिएटरों को टिप्स देते हैं, टेक क्रिएटरों के लिए, तो सब अगर क्रिएटर बन जाएगा तो कैसे होगा? कुछ ब्लॉगर्स के लिए भी रखिए, तो ब्लॉग्स में व्यूज़ बढ़ाने का थोड़ा टिप्स दीजिएगा, क्योंकि हमारे ब्लॉग्स तो छोटे से बड़े सब देखते हैं, पूरा विश्व के लोग देखते हैं हर ब्लॉगर्स को। तो इसीलिए हम आपसे टिप्स मांग रहे हैं, थोड़ा टिप्स दीजिएगा किस तरह से और हमारा ब्लॉग ग्रोथ कर सकें हम लोग। और बाकी जो गुरुजी का भक्त है, उन लोग भी मेरे वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और मुझे ढेर सारा गाली भी दे रहे होंगे। कोई बात नहीं, गाली दीजिएगा, अगर मेरा अगर बात अगर कड़वा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो गाली दीजिएगा, वो गाली को हम आशीर्वाद समझ के रख देंगे। तो मेरा आज वीडियो बनाने का यही कारण था, जो मैंने बोला, जो मुझे सच लगा, जो मुझे देख के ख़राब लगा, उसी के बारे में हमने बोला। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग आशीर्वाद करिएगा, अगर बुरा लगे तो गाली दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस मेरा यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड नाइट एंड टेक केयर।